आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जयमदान। हमारी ढेर सारी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं तो कुछ पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशें हम मिलकर पूरी कर सकें। तो क्या है वो ख्वाहिशें, जरा लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि उनको पूरे करने वाले उपाय मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस से। मनोकामना पूरी करने वाले 10 उपाय जानिए, कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। कैसे, मुझसे जानिए। धनिया, नमक और हल्दी का खास उपाय आपको हर परेशानी में जीत दिलाएगा, मैं बताने वाली हूँ कैसे। लड़की की शादी, लगातार आने वाले बुखार और ना लगने वाली नौकरी, ये समस्याएं अब हो जाएंगी खत्म। आपको अपडेट करने वाली फैशन और ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। देख रहे हैं मेरे हाथ में कितनी सारी चीजें हैं, आपके लिए तो मैं पूरा किचन उठा के ले आई हूँ। ये है हल्दी, नमक और धनिया, इनका आज मैं आपको महा उपाय बताने वाली हूँ, तो जरा किचन से निकाल कर रखिए। लेकिन इससे पहले आपकी ख्वाहिशें पूरी करने वाले 10 उपाय जानिए। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए 10 काम है जो आपको एक साथ करने होंगे, एक साथ लगातार पूरे विश्वास के साथ। और मेरा यकीन मानिए कि आपके उपाय अगर आप ये दिल से करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो पहला उपाय है कि आपको तुलसी के पौधे को रोज जल चढ़ाना है, और शाम के समय, सुबह तो आपने जल चढ़ा दिया, शाम के समय गाय के घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आपको करना है, कितना सिंपल है। दूसरा उपाय है कि रविवार को पुष्य नक्षत्र में, जब भी रविवार को पुष्य नक्षत्र आए या फिर जब भी पुष्य नक्षत्र आए, इसमें श्वेत आक की जड़ लाकर उसे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं और उन्हें खीर का भोग लगाएं। आपको लगेगा कि आप प्रतिमा कैसे बना सकते, कोई बात नहीं, उसकी जड़ ले आइएगा श्वेताक की और उसके ऊपर पेंसिल से आप श्री गणेश बना दीजिएगा। इसके बाद लाल कनेर के फूल और चंदन वगैरह से उनकी पूजा करें। इसके बाद गणेश जी के बीज मंत्र ओम ग, इसका ओम ग गणपते नमः, इसका पूरे का जाप करें, और 108 बार आपको जाप करना है। ये आपको करना है और रिपीट करना है जब भी पुष्य नक्षत्र आए। बीज मंत्र ओम ग, इसका ओम ग गणपते नमः, इसका पूरे का जाप करें, और 108 बार आपको जाप करना है। ये आपको करना है और रिपीट करना है जब भी पुष्य नक्षत्र आए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब जानिए तीसरा उपाय। आपको किसी भी अच्छे दिन सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में चढ़ा देने हैं। सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपना मनोरथ बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस शिव जी की कृपा मिलेगी और आपका मनोरथ जरूर पूरा होगा। और क्या करेंगे आप, बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से आपकी मनोरथ जरूर पूरी होगी। मनोकामना किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। लगातार 40 डेज तक आपको जल प्रवाह करनी है। अगर आसपास जल प्रवाह नहीं कर सकते तो लिख कर उसको आप मंदिर में रखा है, लगातार 40 डेज जाकर लिख कर आए। अब पांचवा उपाय जानिए। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, इससे भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर ये प्रयोग आप किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या बीच में उसमें ब्रेक आ जाता है तो आप वापस देवन पर आ जाते हैं, इससे आपको बुरी नजर से भी बचाव मिलता है। अगर मनोकामना है परिवार के लिए तो क्या करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति या फोटोग्राफ को स्थापित कर उन्हें प्रणाम करें रोज सुबह उठकर। इसके बाद अपने दीवार, दहली या सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से किसी की भी बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता, आपके घर में सुख शांति प्यार बढ़ने लगता है। जानते हैं एक और खास उपाय, नीम, बबूल या आम, तीनों में से किसी एक पेड़ की टहनी सहित पत्तियां आप ले आएं। इसको लाकर अपने मेन दरवाजे पर लटका दें, इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाएंगी। और क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच में एक नींबू काले धागे में पिरोकर दरवाजे के मेन दरवाजे पर लटकाएं। एवरी सैटरडे आपको ये बदलते रहना है। इससे जितनी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक और खास और बहुत ही सटीक उपाय बताती हूँ। सप्ताह के किसी भी एक दिन आप घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा दूध डालकर कुश के साथ, कुश एक घास होती है, कुश के साथ पूरे घर में उसका छिड़काव करें। जो बाकी पानी बच जाए उसको दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल दें, इससे आपके घर की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी।
एक और खास उपाय है, सुनिए। अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, और अगर आपकी समस्या और इच्छा आपके काम से रिलेटेड है तो अमावस के दिन आप ब्लाइंड लोगों को खाना जरूर खिलाएं, उनको दान वगैरह जरूर करें, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि आप अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसी तरह कल मैं आपको बताऊंगी आपकी पहली प्रायोरिटी यानी कि आपकी हेल्थ कैसे ठीक रहे, आप कैसे फिट रहें। इसके लिए जानिएगा कल खास टिप्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अभी हल्दी, नमक और धनिया के खास टिप्स जानिए। हल्दी की गांठ साक्षात गणपति जी का स्वरूप मानी जाती है। लक्ष्मी माँ का आसन कमल, कमलगट्टा, उसे भी लक्ष्मी जी का आसन माना जाता है, लेकिन हल्दी माँ लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। और तो और धनिये के लिए क्या कहावत है आप जानते हैं? धनिये के लिए कहावत है कि ये धन को अर्जित करती है, तभी तो धनिया। तो धनिया को आकर्षित करने से क्या आपकी जिंदगी में चीजें आएंगी, कैसे आयुर्वेद में धनिये का उपाय होता है ये जानेंगे, और वास्तु शास्त्र में नमक का क्या महत्व है, ये ढेर सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने घर में नमक, कमलगट्टा, कमलगट्टे की माला आराम से मिलती है, हल्दी, ये साबुत हल्दी और धनिया, ये चार चीजें आप ले आएं। इसका मतलब है सुख, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष प्रदान करने वाली चीजें। इन चार चीजों को आप जहाँ पर भी रखेंगे ये एक तरीके से स्वास्तिक जितनी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी इससे आ जाता है। लेकिन इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये तो बड़ी कंफ्यूजन की बात है। तो हल्दी की गांठ आप एक काम करें, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में पीले धागे से टांग दीजिए। इससे आपके यहाँ पे माइंड की प्योरिटी आएगी, दिमाग अच्छा लगने लगेगा। हल्दी की यही गांठ अगर आप खूब सारी मिट्टी के पॉट में अपने घर में साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो जानते हैं क्या होता है, आपके रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, कम से कम हल्दी की 5 गांठें ले लें, कमलगट्टे कम से कम 11 होने चाहिए, अच्छी तरह से उसको साफ कर लें, छोटी छोटी पॉलिथिन में अलग अलग डालकर बंद कर दें। अब इसे आप अपने घर में ईशान कोण में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख दें। इसे केवल पूर्णिमा के दिन ही निकालें और उसी दिन रखें। इसे समय समय पर 4 से 5 महीने बाद आप चेंज करते रहें, क्योंकि खराब होने लगेंगे। इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, और जो खराब हो जाए उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास रहेगा, आपके घर में बरकत कभी खत्म नहीं होगी। जब किसी का बुरा वक्त चलता है तो उसको परेशानियाँ घेर लेती हैं, शादी नहीं होती, तबीयत खराब हो जाती है, आपके आसपास में जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। इन समस्याओं का हल भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो पेपर तो अच्छा दे आते हैं लेकिन रिजल्ट के वक्त बहुत घबराहट होती है। तो रिजल्ट को कैसे बनाएंगे शानदार ये जानेंगे। जब बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, आप चाहे बड़े भी क्यों ना हो, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, तो परीक्षा देने के बाद से रिजल्ट आने तक रोज पलंग के नीचे सोते समय आपको राई डाल देनी है, और सुबह उसको खुद ही हाथ से उठाना है, झाड़ू नहीं लगाना है, हाथ से उठाना है और घर के पीछे जाकर फेंक देना है या पार्क में फेंक देना है, इससे रिजल्ट हो जाएगा बढ़िया। सूर्य के दर्शन रोज करने हैं और रोज सूर्य को जल चढ़ाना है। यकीन माने अगर सूर्य आपका मजबूत है तो गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी और तरक्की भी होगी, आप अपने फील्ड के लीडर बन जाएंगे। और क्या कर सकते हैं रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, रोज 4 तुलसी के पत्ते खाली पेट जीप के नीचे रखने हैं, इनको निगलना नहीं है, बस ये रहे वहाँ पर। और क्या करना है, सोकर उठने के बाद नाक से जोर से सांस लेनी है, चेक करना है जो सुर चल रहा हो उसी पैर को धरती पर रखना है, हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स में से एक नॉस्ट्रल एक्टिव होता है, तो सुबह जो नॉस्ट्रल एक्टिव होगा वो आप सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसी पैर को नीचे रखना है। ब्लैक डॉग को और काऊ को, ब्लैक डॉग व्हाइट काऊ, इन दोनों को आपको डेली भोजन देना है। और क्या कर सकते हैं एग्जाम और रिजल्ट के बीच में, घर के किसी कोने या कमरे की सफाई खुद करनी है, मम्मी पापा या बाकी लोग तो सफाई करते ही हैं, आपको अपने कमरे की किसी भी एक कोने की डेली सफाई खुद करनी है, इससे शनि मजबूत होगा। अपने घर के एम्प्लॉयज को, जो आपके होम स्टाफ हैं,
उनको हर शनिवार को काली मिठाई या काली दाल भेंट करें। काली मिठाई मतलब वो ब्लैक वाले गुलाब जामुन आते हैं ना, वो गिफ्ट करने हैं और अपने हाथ से गिफ्ट करने हैं। तो जब आपके हाथ पर वो चाशनी लग जाए तो उसको आपको लिक नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपकी स्किन खूबसूरत बने, वो ग्लो करे, इसके लिए मैं खास टिप्स लेकर आई हूँ। लेकिन पहले आपकी तबीयत, नौकरी और शादी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लें। तो अगर आपकी परेशानी का कारण कोई भी है, आप ये उपाय करें कि तांबे के एक बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। फिर क्या करें, फिर इस बर्तन को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें सूर्य को देखते हुए। जैसे ही आप ये काम करेंगे, धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, घर में कुंवारी कन्या है, टेंशन तो होगी, क्या उपाय करना है? अगर लड़की की शादी में रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो 5 पूजा वाले नारियल ले लें। 5 पूजा वाले नारियल लेने के बाद आप उसको भगवान शिव के सामने जाकर, उनकी मूर्ति या उनके फोटो के सामने जाकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः इस मंत्र का जाप करें, 5 माला का। फिर वो 5 नारियल आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शादी की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, बार बार करते रहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हर सोमवार को, ये लड़कियों के लिए है, हर सोमवार को लड़की सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जाकर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए, 2 चम्मच दूध ज्यादा पानी मिलाकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र की 1 माला का जाप करें। शादी की संभावना जल्दी बनती है और ढेर सारे अच्छे रिश्ते आते हैं। अगर तबीयत खराब रहती है, लगातार बुखार आता रहता है आपको या घर के बच्चों को, तो क्या करें? तो जिनको भी बार बार बुखार आता है, दवा तो साथ साथ लेते ही रहना है, लेकिन आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस के बांध ले। फिर उस कपड़े को जो व्यक्ति बीमार है उसके कान से बांध दे, बुखार उतर जाएगा। इतवार या गुरुवार को, बुखार की ही बात कर रहे हैं, इतवार को या गुरुवार को चीनी दूध चावल पेठा यानी कि वो कद्दू जिसकी सब्जी बनती है, अपने इच्छा अनुसार लें। जो बीमार है उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर धार्मिक स्थान पर, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च जहाँ पर भी लंगर बनता है वहाँ पर दान कर दें। अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो रोज नारियल पानी उसको पिलाएं, कुछ ही दिनों में आराम आएगा। लेकिन अगर आप नारियल पानी में 4 बूंद गंगा जल और 1 पत्ता तुलसी का डालकर कुछ देर के लिए रख दें फिर पुलाएं, तो टाइफाइड और जल्दी उतर जाएगा और असरदार हो जाएगा। अगर नौकरी जाने का डर बना रहता है तो क्या करें? 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें, उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें, डर खत्म। आज जरा अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बेहद बोल्ड सेक्सी ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मर्स, बहुत ही खूबसूरत एक फीमेल से जो कि हमारी है आज की खास सेलिब्रिटी। लेकिन पहले आपको ब्यूटी टिप्स दे दूं। अगर आपकी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो क्या करें? देखिए, आपके चेहरे पर जब रिंकल्स आती हैं तो उसकी वजह होती है कि स्किन के अंदर मॉइस्चर की कमी है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है यूजुअली उनको रिंकल्स लेट आते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चेहरा खिंचा खिंचा लगता है, रिंकल्स आ गए, तो एलोवेरा और हनी में नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो सबसे पहले चेहरे को क्लेंस कर लें ताकि पोर्स खुल जाएं। फिर एलोवेरा का जेल और शहद मिलाकर चेहरे पर 1.5 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। गीला करकर टिश्यू पेपर गुलाब जल में ऊपर से लगा दें ताकि वो और मॉइस्चर अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाए। इससे चेहरे रेगुलर इसके यूज से चेहरे के रिंकल्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। और एक उपाय कर सकते हैं, रात को सोने से पहले मलाई के अंदर 3-4 पिसे हुए बादाम मिला लें, उसको चेहरे पर अच्छे से लगाएं, या मलाई के अंदर आप थोड़ी सी ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल की 2 ड्रॉप्स मिला लीजिए, इसको चेहरे पर मसाज करके सो जाइए। ये एज ऐसी होती है कि आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह स्किन पे नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ, एक्सेस मॉइस्चर आपकी स्किन को चाहिए ताकि रिंकल्स की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। तो आप ये करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, वापस आपकी स्किन पर यूथ आ जाएगा। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, कहीं जाइएगा मत। लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात कराती हूँ ब्यूटीफुल
सेक्सी बोल्ड लीजा मलिक से। लीजा वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। लीजा आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखकर ऐसा लगता है उसके बाद मुझे कोलोसस अजय और लवल अरोड़ा जो इस वीडियो के डायरेक्टर है उन्होंने लॉन्च किया था मेरा पहले वीडियो में चिक्स ऑन फायर। उसके बाद दो साल पहले जब हमने टिप टिप बरसा लॉन्च किया था वीनस के साथ, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बिकॉज मेरे करियर का सबसे बड़ा हिट रहा है आज तक। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये एल्बम सबसे बड़ा हिट हो मेरे करियर का। लीजा आप तो दिल्ली से हैं, दिल्ली से आप मुंबई आई, आपको काफी स्ट्रगल झेलना पड़ा होगा क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रोफेशन चुना, मतलब किस किस दौर से आप गुजरी, थोड़ा समझाइए। मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ, मुझे शुरुआत से लोग बहुत अच्छे मिलते गए हैं। शायद थोड़ी मेरी मेहनत, थोड़ा टैलेंट और मेरी किस्मत, मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना लोगों को करना पड़ता है क्योंकि मैं लाइव शोज करती हूँ और पिछले छह सालों में मैं 400-500 लाइव शोज कर चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा स्ट्रगल थोड़ा कम रहा है, किस्मत ने बहुत साथ दिया है। लीजा आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। लीजा जाते जाते आपकी डांस की झलक हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं। कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम को 150 शब्दों के अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आप अपने हाथों की तस्वीर, चेहरे की तस्वीर, अपनी हैंडराइटिंग की तस्वीर मुझे भेज सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो हम जरूर मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आप अपने हाथों की तस्वीर, चेहरे की तस्वीर, अपनी हैंडराइटिंग की तस्वीर मुझे भेज सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो हम जरूर देंगे। तो आज हम महाराष्ट्र भंडारा से अंजलि का सवाल लेते हैं। अंजलि ने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, वो जॉब के बारे में जानना चाहती हैं और पूछना चाहती हैं लव मैरिज होगी या नहीं। अंजलि मुझे ऐसा लगता है कुछ समय आपको करियर पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, अभी शादी का समय नहीं आया, लेकिन हाँ लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस पूरे हैं। अंजलि आप मंदिर में केला दान करें और सुबह उसको खाएं, आपको अपने ही घर के मंदिर में बनाना रखना है और सुबह सुबह खाली पेट खाना है। शिवलिंग पर आप रोज दूध चढ़ाएंगी, 2 चम्मच दूध, बाकी पानी। दिन में 2 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, आपके अच्छे नौकरी के योग जल्दी आएंगे। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। नेवर हेट पीपल हु आर जेलस ऑफ यू बट रिस्पेक्ट देयर जेलसी, दे आर द वंस हु थिंक दैट यू आर बेटर देन देम। जब लोग आपसे चिढ़ते हैं तो जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलन रखते हैं, उनके लिए बुरा मत सोचिए, उनके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि यही तो वो जलने वाले लोग हैं जो मन में जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तभी तो वो आपसे जलते हैं। तो फिर समझिए, उनके ऊपर दया कीजिए, गुस्सा नहीं, उनको आपकी दया की जरूरत है। वक्त हो चला है मेरे जाने का, पर जाते जाते आपको बता तो दूं कि कल हम क्या बात करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप बीमारी को कैसे रखे दूर, साथ में आपको बताऊंगी कि फ्रेंच तरीके से आप कैसे रह सकते हैं फिट, और साथ में आपके सारे ग्रहों को करूंगी मजबूत। ये सारी बातें आपके लिए कल लेकर आऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।